हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1। ठीक, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन होते हैं और कैसे इनकी इनका यूज़ होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहला पॉइंट है कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना। सबसे पहला पॉइंट यही है कि भाई आपको ये तो मालूम हो कि यार ये जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला तो चलो ठीक है, कैसे निकालेंगे ये, तो इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोग लेने वाले हैं क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 7.1। तो भाई 7.1 में इसको देखिए, तो ये है -5.7 और दूसरा है आपका -1 और 3, ये दो पॉइंट हैं। ठीक, अब इसके ऊपर हम लोग जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने कर रहे हैं, तो यार डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालेंगे इसके ऊपर लगाते हैं। ये जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर +y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान रखना कि पहला वाला, देखो ये इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, ये पहला वाला x है 1 और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक, तो अब इसको लगाओ भैया, तो लगाते हैं देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो गया तो x2 यानी -1 -, ध्यान दो कैसे लगाएंगे, -1 x2 हो गया, फिर माइनस साइन होता है तो भैया माइनस साइन लगा दिया। फिर उसके बाद जो दूसरी वाली वैल्यू दे रखी है वो माइनस में ही दे रखी है होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखना, गलती ना करना, अगर माइनस में वैल्यू दे रखी है तो उसको ऐसे ही लिखना। प्लस दूसरे वाले पे आओ, वाई यानी 3 y2 - y1 y1। अब यहाँ हमने नहीं लगाया बिग ब्रैकेट क्योंकि यहाँ आवश्यकता नहीं थी, यहाँ ब्रैकेट पहले अंदर लगाना था। फिर उसके बाद देखो इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ध्यान दो +4 और ये हो जाएगा -4। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो अब ये क्या हो जाएगा भैया, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 16 और ये भी 16। इसको लिखो तो ये हो जाएगा 2 × 16। इसको चलाओ, 2 × 16 मतलब क्या हुआ, 16 × 2 मतलब आ गया बाहर 4 और ये √2 अंदर ही रह गया, यही आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा हो गया और ऐसे ही करना है, पहले वाले को हमेशा x और दूसरे वाले को हमेशा y, तो ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आगे आगे हम लोग बताते रहेंगे आपको कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कैसे करेंगे उसको। थैंक यू।